कर दिया है। यहाँ अब केंद्र सरकार की तरफ से होने वाले CGET परीक्षा से ही शिक्षक बनेंगे। शिक्षा विभाग ने फिलहाल राज्य में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है। शिक्षक विभाग ने तर्क दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से नियमित रूप से CGET कराई जा रही है, इसलिए विभाग को TET कराने की जरूरत नहीं है। बता दें GDO MLC गुलाम रसूल बरियावी के आवास का घेराव करते हुए TET के अभ्यर्थी पहुंचे। TET के अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन किया। इस कड़ी में इन अभ्यर्थियों ने GDO के विधान पार्षद गुलाम रसूली बरियावी के आवास के बाहर हंगामा और प्रदर्शन किया। हंगामा की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँच गयी और अभ्यर्थियों को शांत कराने की कोशिश में लगी रही। बता दें TET, CET और SGET पास अभ्यर्थी भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर चुके हैं। ऐसे ही आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया के साथ। 8 सालों से सिर्फ आश्वासन, रिजल्ट देने का आश्वासन, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। उर्दू बांग्ला TET उम्मीदवारों को रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद में फेल कर दिया गया। रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद फेल कर दिया गया। अरे यार, यहाँ तो बच्चा भी माँ के पेट में 9 महीना रहता है, कुछ 16-17-20 महीना नहीं रहता। हो सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी 8 साल 2 साल 1 साल वो भी माँ के पेट में 11 महीना 14 महीना 20 महीना रहते होंगे। अरे यार, खाना दे करके छीना है। मेरे रिजल्ट के ऊपर में ओपिनियन सरकार का आ चुका है, मेरे रिजल्ट के ऊपर में विभाग का लेटर निकल चुका है, मेरे विभाग के ऊपर में बिहार सरकार का जो भी प्रक्रिया होने वाला था हो चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। 3 महीना पहले जनरल शिक्षकों की बहाली हुई है, उसमें उर्दू TET का कोई एक भी उसमें उम्मीदवार नहीं। 2 महीना के बाद में फिर उर्दू TET की बात, फिर उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। 1.5-1.5 लाख शिक्षकों की बहाली हो रही है और आप कर रहे सोने का कटोरा लेकर के बिहार में मुसलमानों को घरे घरे पहुँचा रहे हैं। अरे यार, इतनी अनदेखी क्यों कर रहे हो? क्या मालिक नहीं मुसलमान है, वो क्यों नहीं कर रहे आपको? जब तक के दलाली होती रहेगी, जब तक के मुसलमानों के नाम पे उर्दू के नाम पे दलाली करते रहेंगे, अपना पेट भरते रहेंगे मुसलमानों को बेच करके। और आप हमको नहीं बेच रहे, मुसलमानों को नहीं, भारत के और बिहार के शिक्षा को बेच रहे हैं आप। और हम यार टीचर में नहीं जाएंगे, किसी और चीज में जाएंगे, लेकिन याद रख लेना, ये और चीज में जाएंगे, नहीं इंसाफ मिलेगा और में जाएंगे, ये सारे अभ्यर्थी और में जाएंगे। आपको नहीं मिला है, आप टीवी में आए हैं ना, इसमें पेट नहीं भरेगा औरों में भागिएगा। जब भर्ती रहेगा तब ना जाइएगा आप, भर्ती नहीं ना तो आप समझिए ना, आप आपको और सबको समझने की जरूरत है। अंदर 8 साल से लगातार कर रहे हैं, क्या ये सरकार मुसलमान विरोधी है? हाँ, मुसलमान विरोधी सरकार, उर्दू विरोधी सरकार, मुसलमानों के सबसे बड़े और सबसे हितैषी कहने वाले मुख्यमंत्री सिर्फ चोला और ढोंग भर करके लोगों के बीच में जनगणना करा रहे हैं। भाई गन्ना करा रहे हैं, हो गन्ना करा रहे हैं, गन्ना खाने के लिए मिल ही नहीं रहा है, जनगणना करवा रहे हैं, कौन चीज का करवा रहे हैं यार? आपने पास करके फेल किया, ये शब्द पे ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या बात हुआ? कुछ बात नहीं, सिवाय 8 सालों से आश्वासन, आज भी आश्वासन। लाठी चार्ज भी हुआ था, आप देख लीजिए। अभी हम लोग तोड़ पर अभी कहे कि विधान परिषद आप निकलिए ना, फिर उसके बाद में 28 जुलाई को पूरे बिहार के अभ्यर्थी बिहार बंद का ऐलान कर रहे हैं और उसके बाद में हर जिले में प्रदर्शन, मुस्लिम सारा संगठन सड़क पे उतरेगा और उसके बाद में आप बोलिएगा कि किसकी सरकार चल रही है, आपकी सरकार मुस्लिम विरोधी, उर्दू विरोधी और RSS की सरकार चल रही है। पिछला बार आपने आश्वासन भी सुना था, इस बार भी सुना है।